the second chapter of English Reader, which is Granny's Sari. It is a story of a lovely green sari which becomes a piece of happiness for many people. How? Let's know. Granny's favorite sari was a very special one. It had a picture of a forest printed on it. उस साड़ी पे एक फॉरेस्ट की पिक्चर बनी हुई थी. देयर इन द फॉरेस्ट वेयर पिक्चर्स ऑफ स्पॉटेड डियर प्लेइंग इन द ग्रास. उस पिक्चर में कुछ स्पॉटेड हिरन जिन पे स्पॉट्स थे, ऐसे हिरन की फोटोज थी. नेक्स्ट टू द डियर वेयर फैट लायन स्लीपिंग ऑन द रॉक्स. हिरन के बाजू में कुछ शेर सो रहे थे. नियर द रॉक्स वॉज अ स्ट्रीम. एक झरना था. वेयर अ मदर बियर वॉज बिजी कैचिंग फिश फॉर अ बेबी बियर. जहाँ भालू अपने बच्चों के लिए फिश कैच कर रही थी. हाई अप इन द टॉल ट्रीज वेयर मंकीज एंड स्क्विरल्स ईटिंग नट. वहाँ कुछ बंदर और गिलहरियाँ नट्स खा रही थी. विथ देम ग्रीन पैरट्स पेक एट जूसी रेड फ्रूट्स. पेक मतलब चोंच मारना. ग्रीन पैरट्स जो रेड फ्रूट्स लगे थे उन पे चोंच मारकर उन्हें खाने की कोशिश कर रहे थे. व्हेन ग्रैनी वोर हर ग्रीन साड़ी इट सीन एज इफ ऑल द एनिमल्स प्रिंटेड ऑन इट वेयर लाइव एंड मूविंग एज शी वॉक. जब भी ग्रैनी वो साड़ी पहनती थी तो उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे उन्होंने जंगल को अपने चारों ओर समेट लिया हो. और जब भी वह उस साड़ी को पहन के चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे जंगल के सारे एनिमल्स उनके साथ चल रहे हैं. वन डे ग्रैनी वॉश्ड हर साड़ी एंड हंग इट ऑन द क्लोथ लाइन टू ड्राई. एक दिन ग्रैनी ने उस साड़ी को धोकर और सूखने के लिए छोड़ा. सडनली द विंड केम एंड ब्लू इट अवे. सडनली हवा चलती है और उसे उड़ा के अपने साथ ले जाती है. ओ नो माई फेवरेट साड़ी हैज ब्लोन अवे. Said Granny sadly. Don't worry, Granny, said Anu, her little granddaughter. I'm sure we will find your sari if we search for it. I will help you find your sari. Anu, Granny ki granddaughter hoti hai, jo unhein assure karti hai ki wo sari ko dhoond legi. So Granny and Anu went down the road looking for the sari. They met a policeman. अनु और ग्रैनी दोनों साड़ी की खोज में निकल पड़ती है और तभी उन्हें एक पुलिसमैन मिलता है. प्लीज पुलिसमैन, सेड अनु पोलाइटली, हैव यू सीन माय ग्रैनी साड़ी. अनु पुलिसमैन से पूछती है कि क्या उन्होंने ग्रैनी की साड़ी को देखा है. ऑफ कोर्स आई हैव, सेड द पुलिसमैन. यस्टरडे आई वाज चेजिंग अ रॉबर. पुलिसमैन बताता है कि कल वो एक चोर को पकड़ रहा था. He had stolen things from a jewelry shop. उसने एक ज्वेलरी शॉप से कुछ चुराया था. He was running so fast, he was about to escape. Just then, a green sari came flying down from the sky and wrapped itself from his head. The robber couldn't see and he bumped into a tree. जैसे ही वो चोर भागने वाला था, एक ग्रीन साड़ी आई और उसके मुंह के चारों ओर वो लिपट गई. चोर को कुछ दिखा नहीं और वो पेड़ से जा टकराया. I caught him and put him jail. पुलिसमैन ने उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया. Next week I am going to get a medal. But the sari flew away again. उस पुलिसमैन को अगले हफ्ते एक मेडल मिलने वाला था पर वो साड़ी फिर से उड़ गई. So Anu and Granny kept walking in search of the sari. They passed Lakshmi's hut. Lakshmi was a fisherwoman. Policeman से ये जानकारी मिलने के बाद कि वो साड़ी फिर से उड़ गई थी, अनु और ग्रैनी साड़ी की तलाश में निकल पड़े. चलते चलते वो पहुँचे लक्ष्मी के झोपड़ी तक. लक्ष्मी एक मछुआरा थी. गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, सेड अनु. हैव यू. And she stopped because Granny tapped her shoulder and whispered, "Shh, look." Anu ने लक्ष्मी को गुड मॉर्निंग विश किया. जैसे ही वो उनसे पूछने लगी कि क्या उन्होंने वो साड़ी देखी है, ग्रैनी ने पीछे से उसके शोल्डर को टैप किया.
There, in a row, stood Lakshmi's three children wearing new clothes. Granny ने देखा कि लक्ष्मी के तीनों बच्चे नए कपड़े पहने वहाँ खड़े थे. The eldest boy wore a green shirt. On the sleeves were pictures of spotted deer playing in the grass. The girl wore a dress that had a picture of a parrot on one pocket and a squirrel on the other. The little boy wore a shirt with a picture of fat lion. तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रैनी की साड़ी कहाँ गई? जी, लक्ष्मी के तीनों बच्चों ने ग्रैनी की साड़ी से बने कपड़े पहन रखे थे. सबसे बड़े लड़के ने पहन रखा था एक ग्रीन शर्ट जिसकी बाजू पर थे स्पॉटेड डियर जो कि ग्रास में खेल रहे थे. लड़की ने पहन रखी थी एक ड्रेस जिसके पॉकेट पे था एक पैरोट और दूसरे पॉकेट पे था स्क्विरल. सबसे छोटे लड़के ने पहन रखा था एक शर्ट जिसपे थी पिक्चर एक फैट लायन. What a wonderful day it has been, said Lakshmi. Lakshmi ने बताया, I was wondering how to make new clothes for my children when a green sari came flying down and settled on my lap. उसने बताया, उसे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े चाहिए थे, तभी एक green sari हवा में उड़ती हुई उसके गोद में आकर ठहर गई. I asked all my neighbors, but they said it wasn't their sari. उसने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, वो साड़ी उनमें से किसी की भी नहीं थी. सबसे मालूम करने के बाद उसने उस साड़ी को कट करके और अपने बच्चों के लिए उससे कपड़े बना लिए. ऑफ कोर्स लक्ष्मी, सेड ग्रैनी, दे लुक वंडरफुल. ग्रैनी ने बताया, उसके बच्चे उस साड़ी में काफ़ी अच्छे लग रहे थे. लेटर दैट इवनिंग अनु आस्क्ड ग्रैनी, Are you sad because Lakshmi cut up your favorite sari to make clothes for her children? शाम को अनु ने ग्रैनी से पूछा कि क्या वो उदास है क्योंकि लक्ष्मी ने उनकी फेवरेट साड़ी को कट करके उनके बच्चों के लिए कपड़े बना लिए. Oh no, replied Granny with a big smile. ग्रैनी ने कहा, वो बिल्कुल भी उदास नहीं है. When my sari was with me, it made me happy. After it flew away from me, It made so many people happy. I am not sad. I am happy. I always knew my sari was very special. Granny ने बताया कि जब वो साड़ी उनके पास थी तब वो बहुत खुश थी, पर जैसे ही वो साड़ी उड़ गई तो उसने काफ़ी लोगों को खुश किया. Granny ये देखकर बिल्कुल उदास नहीं थी. उन्हें पता था उनकी साड़ी काफ़ी स्पेशल है. पहले उनकी साड़ी के वजह से एक पुलिसमैन ने एक चोर को पकड़ा और फिर एक फिशरवुमन ने अपने बच्चों के लिए उससे कपड़े सिल दिए जो कि उनके लिए बहुत खुशी की बात थी. मैसेज ऑफ द स्टोरी, हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी. दूसरों को खुश करने में खुद की खुशी होती है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो. आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे. थैंक यू सो मच.